विजयलक्ष्मी पार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आम सभा आयोजित। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सभा में शामिल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के 3 महीने के कार्यकाल पर राजे ने किया जमकर प्रहार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की अजमेर में पहली आम सभा आयोजित हुई। ये सभा विजयलक्ष्मी पार्क में आयोजित थी। इस सभा में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बदेल और भाजपा के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस दौरान वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास में साथ देने के लिए उपस्थित जनों का धन्यवाद किया और साथ ही कांग्रेस के 3 महीने के कार्यकाल पर जमकर प्रहार किया। राजे ने इस मौके पर भाजपा के स्थापना दिवस पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, साथ ही चुनाव को लेकर एकजुटता दिखाने का संकल्प दिलवाया। स्कैम का केस आपके ऊपर लटक रहा है, आप तो जहां देखोगे वहां कोई ना कोई भ्रष्टाचार का कोई ना कोई उदाहरण आपको जरूर मिलेगा। और मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, ये भ्रष्टाचार नहीं हटा सकते भाइयों, हटाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही हटाएगी और जब नरेंद्र मोदी की सरकार होगी तभी उसको हटाने का काम हम लोग करेंगे। एक और चीज उनके कार्यक्रम में आया, मैंने घोषणा पत्र पढ़ा तो अरे आप लोग प्लीज अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ ताकि इनको मैं देख सकूं। हमारे 6 शहीद हुए राजस्थान के अंदर, अब साथ 6 शहीद हुए थे उस स्ट्राइक की वजह से। एक एक के घर पे मैं गई थी और मैं उनसे मिलकर आई थी और एक एक की महिलाओं के आंखों के अंदर मैंने झांक के देखा, क्या साहस था उन महिलाओं के अंदर। वाकई मैं तो दाद देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप ही हो जो घर की मान मर्यादा, घर की शान इसको बनाए रखने का काम अगर कोई कर सकती है तो वो हमारी माता और बहने हैं। और उन्होंने ही इन 5-6 घर के अंदर मान मर्यादा और इज्जत रखने का काम किया। उन्होंने मेरे आंखों में आंख डाल के कहा, चिंता मत करो, सबके आंखों में आंसू था, सब जो आदमी बैठे हुए थे सब लोग अपने आंख पहुंच रहे थे और उन्होंने मेरे को मेरी आंख में आंख डाल के कहा कि इनकी चिंता मत करो, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक आंसू नहीं निकलना चाहिए। मेरा बच्चा इस देश के लिए बलिदान हुआ और आज मेरे और बच्चे होते तो मैं भेजती, परंतु इनके छोटे बच्चे थे, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, सबसे बड़ा 4 साल का था। उसने मेरे को कहा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको बॉर्डर पे भेजूंगी और ये भी वही काम करेगा जो उसके बाप ने किया था और वो अकेला नहीं जाएगा, मेरे बाप के 10 और बच्चे इसके साथ जाएंगे और वो लोग इस देश की इज्जत को बहादुरी के साथ अपना वो करने का काम करेंगे और करने की जरूरत होगी तो वो भी वो करेंगे। उस महिला के आंखों में मैंने देखा जो वीरांगना, उस वीरांगना के आंखों में मैंने मेरे तेज देखा और उस वीरांगना ने मेरे को उसने कहा मेरा सिंदूर टूट गया, मेरी चूड़ी टूट गई, परंतु मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ इस देश के ऊपर निछावर है, मेरा परिवार का सब कुछ इस देश के ऊपर निछावर है। और मैं आपको यह कह सकती हूँ कि ये 40 लोग ने अपनी जिंदगी दी जिसमें मेरा भी था, और मैं आपको यह कह दूं आज के दिन ये पीछे से वार किया, अगर आगे से वार करता तो मेरा और भी इसको छोड़ता नहीं, वो भी कईयों को लेके अपनी शहादत दे देता, ये उस वीरांगना ने मुझे कहा। ये हम काम करेंगे, ये कांग्रेस वाले बोले हैं, ये नहीं कर सके भाई। हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर आपको दिखा दिया कि बिजली देना और वादा करना और वादा पूरा करना क्या होता है। आपको यहाँ घरेलू बिजली मिली, आपको किसान की बिजली मिली और हम लोगों ने ये कोशिश की कि आपको किसान जो आपका है उसको लोन माफ करने का काम भी हम करेंगे और उसके साथ साथ उसके बिजली का 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर की जो बिल आते हैं उनको भी माफ करने का काम हम करेंगे और हमने उसको करके दिखाया। सौभाग्य स्कीम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया, उस स्कीम के अंदर मार्च 2019 भले इस महीने के अंत तक चुनाव है तो मैं समझती हूँ कि जून के अंत तक ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा जहां बिजली सौभाग्य के द्वारा आ जाएगी। सिर्फ एक ही मुसीबत है और वो मुसीबत है सरकार, हमारी सरकार जब थी वहां से जो पैसे आते थे हमारा उनका तालमेल सही सही था तो उसको सही सही गांव तक पहुंचाने का काम हो सकता था, आज वो तालमेल ही टूट गया है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो काम पूरे देश के अंदर हो रहा है, मैं चुनौती देती हूँ इन सब लोगों को कि ये सरकार भी
एक भी घाव राजस्थान के अंदर नहीं छोड़े, उसके अंदर बिजली न लाई गई हो, इसके लिए इंतजाम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों नहीं किया? आप देखिए, हमारी मातृभूमि को स्वाभिमान लौटाने का काम किया, हमारे देश का मान सम्मान उसको वापस लौटाने का काम किया, और हमारी सेना की इज्जत और हमारी सेना का सम्मान पूरे देश के अंदर पूरे सेना का उन्होंने बनाते आप सबके सामने ये दिखा दिया कि हम घर के अंदर घुसकर सबक सिखाना भी जानते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम काम करेंगे, ये कांग्रेस वाले बोले हैं, ये नहीं कर सके भाई। हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर आपको दिखा दिया कि बिजली देना और वादा करना और वादा पूरा करना क्या होता है। आपको यहाँ घरेलू बिजली मिली, आपको किसान की बिजली मिली, और हम लोगों ने ये कोशिश की कि आपको किसान जो आपका है उसको लोन माफ करने का काम भी हम करेंगे, और उसके साथ साथ उसके बिजली का 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर की जो बिल आते हैं उनको भी माफ करने का काम हम करेंगे, और हमने उसको करके दिखाया। सौभाग्य स्कीम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया, उस स्कीम के अंदर मार्च 2019 भले इस महीने के अंत तक चुनाव है, तो मैं समझती हूँ कि जून के अंत तक ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा जहां बिजली सौभाग्य के द्वारा आ जाएगी। सिर्फ एक ही मुसीबत है और वो मुसीबत है सरकार, हमारी सरकार करती, वहां से जो पैसे आते थे हमारा उनका तालमेल सही सही था तो उसको सही सही गांव तक पहुंचाने का काम हो सकता था, आज वो तालमेल ही टूट गया है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो काम पूरे देश के अंदर हो रहा है, मैं चुनौती देती हूँ इन सब लोगों को कि ये सरकार भी एक भी घाव राजस्थान के अंदर नहीं छोड़े, उसके अंदर बिजली न लाई गई हो, इसके लिए इंतजाम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों नहीं किया? आप देखिए, हमारी मातृभूमि को स्वाभिमान लौटाने का काम किया, हमारे देश का मान सम्मान उसको वापस लौटाने का काम किया, और हमारी सेना की इज्जत और हमारी सेना का सम्मान पूरे देश के अंदर पूरे सेना का उन्होंने बनाते आप सबके सामने ये दिखा दिया कि हम घर के अंदर घुसकर सबक सिखाना भी जानते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवरात्र की स्थापना दिवस के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अंदर भी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। झूले लाल को याद करती हूँ, सबको बहुत सारी राजमाता राजमाता अटल जी और इनको सबको आज का दिन तो खास है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी, उनको सबको मैं याद करूंगी जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एल के अडवाणी जी, राजमाता साहब, उनके सब सहयोगी गण, उनके साथ बुटी मनोज जोशी जैसे लोग सब। मैडम, मिशन 25 अभी आप लेकर चल रहे हैं, पिछली बार ऐतिहासिक सफलता मिली थी, इस बार क्या उम्मीद करें वो सफलता दोहराई जाएगी? मैम लेफ्ट से, मैम इधर से, मैम इधर, मैम इस तरफ। कांग्रेस के 5 टिकट बदलने की बात की जा रही है, आखिरी चीज, 5 टिकट कांग्रेस के बदलने की बात की जा रही है, क्या भाजपा की लहर से डर के 5 टिकट बदलने की बात की जा रही है कांग्रेस के प्रदेश में? क्या भाजपा की लहर इतनी तेज है कि राहुल गांधी को 5 टिकट बदलने की क्या टिप्पणी है, ये आपको मालूम है? मैम, अभी जो सोशल मीडिया चर्चा चल रही है, कल मीटिंग हुई है राहुल गांधी और प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं में कि 5 टिकट बदले जाएंगे राजस्थान में, तो ये तो अपने आप डरी हुई है, आपको दिख रहा है कि कितनी डरी है। प्लीज।